सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से 11 ईयर सीबीएसई क्लास 12th पीवाईक्यू वाला बुक, जिसमें 2013 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यू दिए गए हैं। हर सब्जेक्ट का अलग सेपरेट बुक आता है। तो आज के इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स का एज अ सैंपल के लिए बुक लिया है कि किस प्रकार का हमारा दिख रहा होता है। तो जो मैथमेटिक्स में पैटर्न होगा, इस सीरीज की जितने भी बुक्स हैं सभी बुक्स में भी वही पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। तो अगर हम स्टार्ट कर ले, सबसे पहले हमें देखने को मिलता क्या है, तो सबसे पहले तो आप कंटेंट्स देख लीजिए। कंटेंट्स का बेनिफिट ये होता है देखने से कि इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि ना तो इससे ज्यादा कुछ मिल रहा होगा और ना ही इससे कम, मतलब एग्जैक्टली यही सारी चीजें मिल रही होंगी। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा, जिसमें हम डिटेल में भी थोड़ी देर में देख रहे होंगे, और उसके बाद सीबीएसई सॉल्व पेपर 2023 से नीचे जाते जाते 2013 तक आपके ऑल इंडिया और दिल्ली दोनों के ही पेपर्स दिए गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर वाइज डिवीजन देखने को मिल जाता है क्वेश्चंस का। मैथमेटिक्स का बुक है तो मैथमेटिक्स का देखने को मिल रहा होगा कि 2023 में किस चैप्टर से मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस आए थे, इसी प्रकार 2022 में कितने थे, 2021 में तो एग्जाम नहीं हुआ, 2020 में कितने थे, 2019, इसी तरह पीछे जाते जाते 2013 तक किस चैप्टर से किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए गए थे, आपके ट्रेंड एनालिसिस में दिया गया है। तो इससे आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे कि अच्छा कौन सा चैप्टर पे मुझे कितना टाइम देना है, मेरा कौन सा कितना वीक है, किसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे ट्रेंड एनालिसिस खत्म होता है उसके बाद आता है आपका सॉल्व पेपर्स। तो दिशा और अरिहंत के बुक्स की खास बात यही होती है कि जितना प्रॉमिस किया गया है उतना ही होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। तो पीवाईक्यू बुक है तो तुरंत आपके ट्रेंड एनालिसिस के बाद पीवाईक्यू चालू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले 2023 का सीबीएसई बोर्ड ऑल इंडिया पेपर का सॉल्व पेपर दिया गया है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल जैसे आपका क्वेश्चन दिया जाता है जिस पैटर्न में, उसी पैटर्न में आपके सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई, और इसी प्रकार जैसे ही हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद आपको सॉल्यूशंस देखने को मिलेगा ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड सॉल्व पेपर्स का 2023 वाला, यानी कि पहले एक पेपर फिर उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम देख सकते हैं, हर किसी क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन है, और अगर किन्हीं क्वेश्चन में कुछ टिप्स कुछ हिंट देने की जरूरत है तो वहां पर नोट्स करके, नोट्स डालकर एक ग्रे बॉक्स में लिखा गया है जो भी कुछ हिंट्स या फिर टिप्स देने हुए। हर किसी क्वेश्चन में आपको हिंट नहीं मिलेगा, किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल रहा होगा जहां जरूरत है, बट सॉल्यूशंस हर किसी के दिए गए हैं विद प्रॉपर मार्किंग, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितना सॉल्व करते हो तो आपको कितना मार्क्स मिल रहा होगा। यानी कि जैसे मेरे सामने अभी क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसमें बताया गया है कि कितना स्टेप लिखते हो तो आपको कितना नंबर मिल सकता है एग्जाम में। तो आप इससे ब्रेकिंग भी देख सकते हो, मार्क्स ब्रेकिंग, कि अच्छा ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप हमें बोर्ड्स में लिखना होता है। तो वो इस बुक की खास बात लगी मुझे कि ये चीज मुझे बढ़िया बताया गया है। जहां कहीं डायग्राम्स एक्सप्लेन करना है, मतलब अगर कहीं डायग्राम्स डिमांडेड है, वो सारी चीजें भी सॉल्यूशंस पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसी प्रकार जैसे हमारा सॉल्यूशन खत्म होगा, सबसे पहले आपका 2023 वाला पेपर का फॉर ऑल इंडिया, उसके बाद तुरंत 2023 का दिल्ली वाला पेपर है, तो उसी पैटर्न में दिल्ली वाले पेपर के सभी क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन के बाद दिल्ली वाले पेपर के सभी सॉल्यूशंस, उसके बाद आपका 2022, फिर उसके पीछे धीरे धीरे जाते जाइए। सेम पैटर्न है और कुछ नहीं, इससे कम नहीं ज्यादा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अब और किस बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए चाहिए, जेई का, नीट का, यूपीएससी, एसएससी, तो जिस किसी एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बस बुक का नाम लिखिए, आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक का रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश करूंगा विद प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और अगर इसी के साथ अगर आपको जानना है कि आज के इस वीडियो में हमने जिस किसी बुक का भी रिव्यू किया उसका लिंक चाहिए, अमेजॉन लिंक, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, तो डिस्क्रिप्शन में उस बुक का अमेजॉन लिंक दिया गया है। आज की इस वीडियो में देखकर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।